एपिसोड 181 181। शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जयजीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउ रनिवास, भवनु भयंकर लागते ही मानम प्रेत निवास। अतियारति सब पूछहि रानी, उतरु नाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवन नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ निपुते तेहि बूझा। दासिन देख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई नवाई। जाई सुमंत्र देख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निवट मलीना। ले सासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे उच जाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु चरि पंख परे संपाती। राम राम कह राम सनेही, उनी कह राम लखन बैदेही। सचिव जय जीव कही, कीन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहरा।
सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछु अधार जनु पाई सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखनु वैदेही फेरी की बनही सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव राव सुनाई दीन बन बासु सुनि मन भयउ न हर शुहरासु सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना सखा राम सिय लखनु जहां तहां मोहि पहुंचाओ नाहित चाहत जनन अब प्राण कहूं सति भा छत मंत्री हीराऊ प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ कर ही सखा सोई बेगी उपाऊ राम लखन सिय नयन शिव धीर धरि कह मृदुवाणी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम्हा सेवा जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन पियोगा काल कर्म बस हो ही गोसाई बर बस राति दिवस की नाई हर खही जड़ दुख बिल खाही दो समधीर धरही मन धीरज धरहु विवेकु विचारी छाड़ी सोच सकल हित